फ्रेंड्स एवरीवन, इनका फिर से स्वागत है। माह नवंबर के लिए कक्षा दसवीं का संस्कृत असाइनमेंट करने जा रहे हैं। इसके पहले कक्षा दसवीं के सारे सब्जेक्ट और कक्षा बारहवीं के सारे सब्जेक्ट आर्ट कॉमर्स साइंस का अपलोड हो चुका है चैनल पर। असाइनमेंट आप कहीं से भी लिख सकते हैं, पुस्तक वगैरह गाइड में नवबोध में सारे में इसके आंसर दिए गए हैं। लेकिन आपको चैनल से इसलिए जुड़ना है क्योंकि हमारे चैनल में वार्षिक परीक्षा किस प्रकार होगी, कैसे टाइप के प्रश्न आएंगे, इसका वीडियो जो है जल्द अपलोड होने वाला है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, दोनों ही माध्यम में। आप जो है चैनल में जाकर देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे वीडियो यहाँ पर मेरे चैनल में अपलोड है। नोटिस का एडवर्टाइजमेंट कैसे लिखते हैं, ये सारे जो है अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न करते हैं, संस्कृत का परिवार लघु एवं वरम अस्मिने पाठे प्रयुक्त सूक्ति द्वयम लिखित्वा, है ना, कोई दो सूक्ति लिखना है और उसके अर्थ को लिखना है। तो चिंता तो शिक्षा कृते च कारणीया, चिंता तो शिक्षा दीक्षा के लिए करनी चाहिए। सेकेंड है, गतस्य सोचनम न करणीयम, जो बीत चुका है उस पर ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। इसके बाद आते हैं प्रश्न दूसरा की ओर। तो ये प्रश्न उत्तर है आपके पाठ्य पुस्तक से, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। का है इसके बाद का, गद्ये गच्छामि इति क्रियापदस्य समानार्थी क्रियापदम प्रयुक्तम। तो गच्छामि का समानार्थी शब्द यामि होता है, प्रतिदिनमेव अत्र में इति पदे का विभक्ति, तो इसमें प्रथम विभक्ति है। गद्ये अंतः का मतलब बताना है, प्रारंभ विरोम पद लिखना है। प्रश्न तीसरा है, विचित्र साक्षी पाठ के आधार पर खाली स्थान भरना है। तो पहला में भाग्य गति आएगा, दूसरा में निर्जने आएगा, तीसरा दरिद्र, चौथा त्यक्त्वा, पांचवा दुर्बला, छठवा निक्षा, सातवा अबुद्ध, आठवा कल्याणकारी। इसके बाद प्रश्न चौथा, ये तो बुक में दिया हुआ है, संस्कृत पुस्तक के पीछे ही है ना। निबंध लिखना है सुभाष चंद्र बोस पर, 16 वाक्यों में 16 पॉइंट लिखना है। तो इससे आप लिख सकते हैं, पुस्तक से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं जो है आगे बढ़ा देता हूँ क्योंकि ये तो बुक में भी दिया हुआ है, आप चाहो तो इसी यूट्यूब चैनल से भी लिख सकते हो, ठीक है। 15 पॉइंट में कम्प्लीट करना है। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न पाँचवा की ओर। प्रश्न पाँचवा है जननायक सुभाष चंद्र, अच्छा प्रश्न पाँचवा का, कश्चन निर्धना जना भूरी परिचय किंचद। तो विशेषण और विशेष पद बताना है आपको, निर्धन विशेषण पद है और विशेष से जना है, ठीक। अभियुक्त अति उत्कृष्टकाय, इसमें देखिए ध्यान से, ये वाले में विशेष पद, विशेष पद कृष है, ठीक, और विशेष पद काय है, ठीक। गा में देखिए विशेषण पद हम क्या है, विशेषण पद विजने हैं और विशेष प्रदेशे है, ठीक। घा में देखिए, घा में विशेषण पद चत्वरे है और विशेष पद एकस्मिन है। तो इस प्रकार संस्कृत के सारे प्रश्न उत्तर है ना इस वीडियो में कंप्लीट हो जाते हैं। मेरे चैनल में ग्रामर, व्याकरण खान, साइंस और बहुत ही महत्वपूर्ण गवर्नमेंट जॉब के जो वीडियो है वो डाला जाता है, तो चैनल से जुड़ जाइए। अन्य चैनल के मुकाबले मेरे में बहुत सारी चीज़ों को एक साथ कवर किया जाता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक साथ मिल जाता है। फ्यूचर के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए।